Oi, yeah. Hi. हाँ तो आज अभी हम शेयर करेंगे आपके साथ में हमारा ऑरेंज एसिस का जो एक्सपीरियंस था। वैसे तो सबके हिसाब से ये सर्विस बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, पर मेरा कुछ एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, क्योंकि इसकी जो 24 आवर्स की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते करते मेरे को लग गए पूरे 1.5 दिन जिसमें मेरा काम हुआ है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, मतलब जो ऑरेंज असिस्ट का जो कॉल सर्विस कॉल का जो है सीन, ऑरेंज असिस्ट का जो कॉल सर्विस है उसमें मेरा सीन हो गया था, बाकी उसके बाद का जो सब कुछ है वो सब तो बढ़िया था। जो रोड साइड असिस्टेंस जो मेरे को मिला वो बहुत बढ़िया था। हाँ तो उसमें कुछ सीन ऐसे हुआ कि मेरे बाइक का रेडिएटर ख़राब हो गया, उसमें से लीक हो रहा था कूलेंट पूरा, और इतनी स्पीड से लीक हो रहा था कि आई थिंक मुझे 20-30 किलोमीटर पर जाना तो उसमें भी दिक्कत हो सकती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ऑरेंज असिस्ट लिया है तो उसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए और उसका भी टेस्ट लिया जाए कि कैसा है, अगर कोई राइड पे कहीं पे कोई दिक्कत हो जाएगी इन फ्यूचर तो उससे अपने को कितनी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब देखने को उस पर थोड़ा जानने को मिलेगा कि क्या सीन है और कैसा हो रहा है। मेरी बाइक में ये लीक हो रहा है वो मेरे को शाम को पता चला, तो फिर नेक्स्ट डे का प्लान किया अभी चलो सुबह फ़ोन करते हो ऑरेंज असिस्ट को। सुबह 10 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं थ्रू हो रही। पहले तो 2-4 कॉल तो मैंने ऐसे ही ट्राई किए, कॉल ही लगी नहीं। तो पहले तो मेरे को लगा कि नंबर ही बंद हो गया, मैंने नेट पे सर्च किया, सभी जगह पे सर्च किया और नंबर सेम ही सही था एकदम। फिर से मैंने कॉल किया, फिर उसके बाद कॉल लगी तो 5 या 10 मिनट तक मैंने ट्राई किया, होल्ड पे रहा मैं, लाइन पे रहते हो। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि या तो आप कॉल बैक के लिए रजिस्टर कर दो अपना नंबर या तो लाइन पे ही रहो। तो मैंने कॉल बैक के लिए रजिस्टर कर दिया, तो उसके बाद कॉल बैक आया मेरे को कुछ 1-1.5 घंटे बाद कॉल बैक आया, तो उसमें भी यही सीन था। कॉल बैक आया, मैंने कॉल रिसीव किया, मेरे को लगा कोई बोलेगा सामने से, पर नहीं, वो सेम ही था, आप कतार में हैं और आपका वेटिंग नंबर है 1, तो लाइन पर बने रहिए। तो मैं बना रहा थोड़ी देर तक, फिर फ़ोन कट हो गया। उसके बाद फिर से कॉल बैक किया तो कॉल फिर से वेटिंग में रहा, ऐसे कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद में फिर से मेरे को दोपहर को 2 या 3 बजे फिर से मेरे को कॉल बैक आया, फिर से सेम सीन हुआ, कॉल डिसकनेक्ट हो गया अपना। उसके बाद में फिर मैं कुछ काम में था तो मैंने कॉल नहीं किया। उसके बाद फिर से मैंने शाम को 5 बजे कॉल किया था और तब जाके आई थिंक मैंने 10-15 मिनट होल्ड पे ही रहा, मैं सुनता रहा, भाई बोल रही है दीदी, बोल रही है कि आप कतार में हैं, आप रुकिए, आप रुकिए, आप कतार में हैं, आप रुकिए, होल्ड कीजिए, लाइन पे बने रहिए। तो हम बने रहे, उसके बाद 10 मिनट के बाद में अपना कॉल थ्रू होता है, भाई फुल फ्रस्ट्रेशन में फिर भी शांत है, पूरा एक्सप्लेन किया बाइक में ये सीन हो गया है, यहाँ पे आना है, ये करना है, वो करना है। सब सुनने के बाद बंदी बोलती है, अरे भैया अभी तो 6 बज गए तो अभी आपकी बाइक हम कैसे शोरूम पे पहुंचाएंगे, शोरूम तो बंद हो जाएगा, आप सुबह फिर से फ़ोन करिए। मैंने बोला कि अरे आप कंप्लेंट रजिस्टर कर दो, फिर से सुबह काहे को फ़ोन करवाते हो, कंप्लेंट रजिस्टर कर दो और फिर सुबह जो भी है आपका वो बंदा उसको कॉल करके भेज देना, एड्रेस तो हमने दिया हुआ, लोकेशन दे दिया मैंने। नहीं, वो बोले नहीं ठीक है, नहीं आप तो आपको सुबह अलग से फिर से नई कंप्लेंट करनी पड़ेगी, अभी आप ये रजिस्टर नहीं करवा सकते। उस टाइम पे मैं इतना फ्रस्ट्रेट और कंटाला था ना कि छोड़ो यार अभी ये ऑरेंज असिस्ट आ गए, उनको कोई कॉल नहीं करना, अपने देख लेंगे कुछ प्राइवेट व्हीकल करके या खुद की गाड़ी में गाड़ी बाइक को डाल के पहुँचा देंगे कैसे भी करके। फिर रात की नींद के बाद अपना भाई फिर से दिमाग ठंडा था, सुबह फिर से फ़ोन किया तो मैं कुछ 10-12 मिनट तक होल्ड पे रहा, उसके बाद मैं कॉल थ्रू हुई, फिर से वही किसी पिटी कहानी सुनाई उनको, अच्छे से सुन ली। फिर कॉल की जो प्रोसेस थी, मतलब रजिस्ट्रेशन जो करना था प्रॉब्लम का, वो सब ख़त्म करते करते कुछ 35 मिनट हो गए। उसके बाद मैं 2-3 बार होल्ड में रखा था मेरे को, फिर से होल्ड पे रख के जो ब्रेकडाउन सर्विस वाले जो ब्रेकडाउन सर्विस थी उनके साथ उनका
कॉल गया। उसके बाद उसके साथ कुछ बात करते करते मेरे को 40 मिनट तक होल्ड पे रखा था। उसके बाद फिर मेरी बात हुई उनके साथ, पूरा एड्रेस समझाया कहाँ पे आना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद कुछ जो उसका जो मेरे घर से डिस्टेंस था वो कुछ 1.5 घंटे का था, तो वो भैया 2 घंटे के अंदर कुछ आ गए थे वहाँ पे व्हीकल लेके अपना, और 15-20 मिनट में टो करके वो निकल गए। जो सर्विस स्टेशन था वो 20 किलोमीटर का था, वहाँ पे वो पहुँच गए आधे घंटे में और बाइक अपनी ड्रॉप हो गई थी वहाँ पे, लोकेशन पे पहुँच गई। ऐसे करके मतलब जो ब्रेकडाउन सर्विस वाले की जो सर्विस है वो तो एकदम टाइम टू टाइम थी, पर जो ऑन कॉल जो असिस्टेंट मिलता है ऑरेंज असिस्ट का वो बहुत ही स्लो है, और उससे थोड़ी दिक्कत हो गई मेरे को। तो उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए कुछ खास नहीं था, तो शायद मैं रिन्यू ना भी करवाऊँ, क्योंकि थोड़ा डाउट जाता है कि अभी अगर आप राइड पे जा रहे हो और कहीं पे ऐसे दिक्कत आ जाएगी तो इनके भरोसे पे तो अपने बैठ ही नहीं सकते। अगर ऐसे कॉल ही नहीं होगी 2-2 घंटे तक, एक एक दिन तक अगर मैं राइड पे कहीं पे हैवी होऊंगा तो मैं वहाँ पे एक दिन तक कहाँ पे बैठा रहूँगा इनके वेट में। तो अभी देखते हैं अभी उसका क्या करना है क्या नहीं, पर मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। तो मैंने दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी पूछा कि आपका एक्सपीरियंस अगर किसी ने यूज़ किया, तो उन लोग का भी मिक्स था। किसी ने बोला कि भाई मेरे को भी सेम ही हुआ था, किसी ने बोला नहीं मेरा तो फटाक से कॉल लग गया और काम हो गया मेरा, किसी ने बोला मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मैंने बुलाया था तो मेरे को पेट्रोल दे के गए, किसी ने ये वो करके सब कुछ बोला। तो ये कुछ था। उसके बाद में फिर बाइक दे दी, बाइक चेक हो गई, और शाम को मेरे को न्यूज़ आया कि भाई रेडिएटर पूरा रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर से लीक है और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उसका, ऐसे करके बोला। और उसके बाद बड़ी दिक्कत ये है कि बाइक पहुंच गई है, रेडिएटर का प्रॉब्लम है वो भी पता चल गया है, पर अभी दिक्कत ये कि साला यहाँ पे जो आजू बाजू के शोरूम्स हैं वहाँ पे कहीं पे भी रेडिएटर अवेलेबल नहीं है। तो अभी ये ऑर्डर किया गया है और अभी पता नहीं ये कितने दिन में आएगा। मेरे को 4 से 5 दिन का बोला है, पर मेरे को 10 दिन का लग रहा है ये पूरा टाइम, तो 10-12 दिन तक मेरी बाइक अभी मिलने नहीं वाली है। तो अभी देखते हैं यार क्या होता है, मेरे को बाइक चाहिए। मैंने पिरेली डलवाया, सोचा था अभी कहीं पे घूमने जाता हूँ मस्त, थोड़ा ऑफ रोडिंग करूँगा, कीचड़ होने से पहले थोड़ा ऑफ रोडिंग करूँगा, कीचड़ में तो करना ही है। पर अभी लगता नहीं कि कीचड़ सूखे में अभी ऑफ रोडिंग करने के लिए अभी कीचड़ हो ही है होगा सब, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है अभी, पूरी वाट लग गई भी है वही देखते। तो फिर हाँ, अभी आगे का जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है KTM के साथ में वो आपको फिर से मैं शेयर करूँगा, और एक और एक वीडियो बन रही है। मेरा जो एक्सपीरियंस था KTM के साथ, 1 साल के अंदर 17,000 किलोमीटर्स बाइक चलाई है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कितना मेंटेनेंस का खर्चा है, इसका मेंटेनेंस बाइक का कितना है, और दूसरी कुछ दिक्कतें जो मैंने देखी है, और क्या सही है इस बाइक के साथ और क्या नहीं, और मेरा यूज़ कैसा है इस बाइक का, वो सब कुछ वो नेक्स्ट वीडियो भी देखते कब ख़त्म होता है। पर उसके पहले दूसरे कोई वीडियो आएंगे अभी लोग, और अगर आपको और कोई भी वीडियो देखने हो, अगर जानना हो तो कमेंट करिए। चलो।